गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, शो दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सिमेट्रिक क्या होता है, अब आपको प्रूव करके दिखाते हैं, फिर आपको यहां से पता लगेगा, लास्ट में जाके पता लगेगा कि सिमिट्री का क्या मतलब है। अब ए प्लस ट्रांसपोज ए को सिमिट्रिक प्रूव करने, जिसको सिमिट्रिक प्रूव करने पहले उसकी वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू तो है हमारे पास, ए किसके बराबर दे रखा आपको, भी ए दे रखा है 2, 4, 5, 6 और ए का ट्रांसपोज निकालने। जब आप ट्रांसपोज कैसे निकालते, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम में बदला जाता है, कॉलम को रो के अंदर, 2, 4 यहां 2, 4 आ जाएगा, सेकंड रो क्या है 5, 6, ये 5, 6 सेकंड कॉलम बन जाएगा। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 2, 4, 5, 6 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2, 5, 4, 6। इन दोनों का पहले प्लस करेंगे आप, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। जब ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे तो ये 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12। इस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कहा गया है। जिसे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कहा जाता है, पहले उसकी वैल्यू निकाली जाती है और उसकी वैल्यू निकालने के बाद जो भी आ गया उसका अपन करना होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 4, 9, 9, 12 ऊपर ट्रांसपोज, इसके ऊपर टी लगा दिया और इसके ऊपर टी लगा दिया। जब इस ऐसा करेंगे तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ही यह आएगा 4, 9 कॉलम है रो बना दोगे, 9, 12 कॉलम है तो क्या बना दोगे, रो बना दोगे। अब आप देखोगे जब रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट किया, कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट किया तो आंसर वही आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। यानी कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का जब आपने ट्रांसपोज किया तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। वी ऑब्जर्व ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। सो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए जो उन्होंने कहा था, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जा सकता आपको। इसके बाद आता है हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन शो दैट ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1, 3, 3, 7 और ट्रांसपोज ऑफ ए भी निकाल लो 1, 3, 3, 7। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी, मैट्रिक जो आएगी, उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1, 3, 3, 7 1, 3 स्टेटमेंट क्या हमारे पास भी 1, 4, 3, 7 है, यहां पर 4 दे रखा है आपको। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर 1, 4, 1, 4 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा भी 1, 4, 3, 7 और यहां पे आ जाएगा 1, 4, 1, 3, 4, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 4 था, 3 लिखा गया था, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं।
ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको बता रखा है जब बाहर नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव के साइन को अंदर ले जाओगे, सभी एलिमेंट के साथ जो साइन होगा वो चेंज कर दोगे। 1437 माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो, 4 माइनस 3 वन, 3 माइनस 4 माइनस वन, 7 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कहा है, चाहे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कह दी जाए चाहे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कह दिया है, तो जिसको सिमेट्रिक या जिसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कह दिया जाता है तो उसका ट्रांसपोज किया जाता है, 0 1 -1 और 0। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखते हैं क्या आ रहा है, 0 1 रो है ये कॉलम बन जाएगा, -1 0 -1 0। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो पहले जो आंसर आ रहा था उसके साथ जो एलिमेंट थे मैट्रिक्स के अंदर जो साइन थे अब साइन अपोजिट हो जाएंगे, 0 1 था 0 -1 आ गया, -1 0 था ये 1 0 आ गया। तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद पहले वाली मैट्रिक्स के इक्वल आता है। एक काम करोगे इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, 0 1 -1 0, ये था किसके बराबर? ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये यही तो वैल्यू थी माइनस, ये क्या आ जाएगा, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर किसी का ट्रांसपोज करें तो माइनस कॉमन लेने के बाद वही वैल्यू आ जाए, उसी मैट्रिक्स के जो सेम एलिमेंट आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा आपको, इफ ए इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाई दैट दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई टू। आपको क्या प्रूव करना है, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, ए का जब ट्रांसफर करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा है ना, साइन अल्फा और कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और यहां पर क्या है साइन अल्फा, यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और यहां पे है साइन अल्फा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, एक ये रो है और ये कॉलम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वेयर अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा, कॉलम सेकंड उठाएंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसको इसके साथ करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, रो चेंज करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वेयर अल्फा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा। हमें पता है कि साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा 1 के इक्वल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं 2 बाय 2 की, तो ये I2 के बराबर आ गया जो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।